नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। एससी एसटी एक्ट के खिलाफ प्रदेश भर में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद अब 10 अप्रैल को भी एक आंदोलन की हवा चल रही है। हालांकि ये दलित आंदोलन नहीं बल्कि आरक्षण के खिलाफ आंदोलन बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई मैसेज वायरल हो रहे हैं। 2 अप्रैल को भड़की हिंसा के बाद अब पुलिस ने सबक लिया है और पहले ही अलर्ट हो गई है। 10 अप्रैल को संभावित आंदोलन को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से एक्सक्लूसिव बात की इंडिया फर्स्ट चैनल हेड आशुतोष ने। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं और इसी वजह से लगातार जुलूस और चुनावी रैलियों का भी दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस दौरान काफी हिंसा की घटना भी सामने आ रही है। खासतौर पर दलित आंदोलन के बाद से सरकार लगातार सजग है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले रहे हैं जिस तरह से हिंसा जो है वो ना हो और जो असामाजिक तत्व हैं वो अपनी हरकतों को अंजाम ना दे पाए? देखिए, पिछले दिनों जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं को ध्यान में रख के प्रशासन और सरकार बहुत सतर्क है और लगातार हम लोग हर जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जनता से भी संपर्क कर रहे हैं और प्रशासनिक रूप से भी जहाँ जितने बल की आवश्यकता है उतना बल उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि ये जो भी विषय है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विषय है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है और इसलिए सभी लोग शांति रखें और हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। सब लोग शांति के साथ मिलजुल कर कोई समस्या है तो उसका रास्ता निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएगा वो आएगा, इसलिए सब लोग मिलजुल कर जो मध्य प्रदेश की परंपरा है शांति सद्भाव की उसको सब लोग बना के रखें, ये अपील है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कुछ जो है प्रसारित होता रहता है, काफ़ी अफवाहें फैलाई जाती हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल में करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, बात सही है कि सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग तरह से चीज़ें चलती हैं, लोग अलग अलग तरह से लोग डालते हैं, विशेष रूप से जो हमारी यंग जनरेशन है तो वो भावनात्मक रूप से अपनी बातें लिख देते हैं, कानूनी समझ उनमें नहीं होती है और इसलिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब शांति सद्भाव बना रहे हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और किसी भी वर्ग के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सर, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको आप किस तरह के निर्देश दे रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए, सभी पुलिस अधिकारियों को लगातार हम लोग संपर्क में हैं, हमारे सभी कलेक्टर्स के हम लोग संपर्क में हैं, डेली माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं स्वयं भी सभी जिलों के कलेक्टर एसपी से लगातार संपर्क में हूँ और पूरा जो डे टू डे हम लोग हर जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहाँ पर जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार निर्णय कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी, तो कहने के सरकार पूरी तरह से सजग है और तैयार है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। साथ ही तमाम पुलिस अधिकारियों को भी ताकीद किया जा रहा है कि वो अपने अपने जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखें और खुद गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरामैन सुजीत लांजीवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।